अभी हमारे को बन गया, हमारे सामने रोए रही है, हमारे सामने क्या समझती हो बेटा कि तुम्हारा रोना। बॉलीवुड एनटीटी 24 प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड एनटीटी 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर आ रही है। छोटे पर्दे पर ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका निभाने वाले अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया है। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वे बेहद मशहूर टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार में लोकप्रिय हुए थे। अनुपम श्याम ओझा पिछले साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। अशोक पंडित ने दी श्रद्धांजलि। अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि दिग्गज एक्टर अनुपम श्याम का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने से निधन हो गया है। ये फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, सज्जन सिंह के चाहने वाले घर घर में हैं, प्रतिज्ञा सीरियल को देखने वाले घर घर में हैं। अक्सर महिलाओं और पुरुषों के द्वारा ये टीवी सीरियल बहुत पसंद किया गया था। पिछले साल लॉकडाउन के समय अनुपम श्याम की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वे अस्पताल में आईसीयू में एडमिट थे। साल ही घर में भी तंगी चल रही थी, इसके चलते उन्होंने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। इसी साल मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के दूसरे सीरियल की शुरुआत होने पर उन्होंने अभिनय में वापसी की थी। दोस्तों बता दें कि प्रतिज्ञा 2 भी, जैसे कि मैंने बताया कि आने वाला था और उन्होंने अपनी दमदार एंट्री भी की थी, लेकिन शूट खत्म होने के बाद वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पर जाते थे। दोस्तों, अगर उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो बता दें कि अनुपम श्याम ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन पहचान उन्हें टीवी सीरियल से ही मिली। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रतापगढ़ से की थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के भारतेंदु नाटक अकादमी से थिएटर की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, इसके बाद वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर में रंगमंडल में काम करने लगे और फिर अपना भविष्य आजमाने के लिए मुंबई की सरजमीं पर चले गए। दोस्तों बता दें कि अनुपम श्याम का फिल्मी सफ़र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से शुरू हुआ था। उन्होंने सबसे पहले लिटिल बुद्ध नाम की एक फिल्म में काम किया था। इसके बाद उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म वेंडिट क्वीन साइन की। इसके बाद उनका फिल्मी सफ़र निकल पड़ा। हालांकि फिल्मों में उन्होंने खासी पहचान मिल गई थी। अनुपम श्याम के लुक और उनकी आंखों की वजह से उन्हें लगातार काम मिलता रहा, लेकिन देखा जाए तो टीवी सीरियल प्रतिज्ञा नाटक से जो उन्हें पहचान मिली वो शायद किसी भी टीवी सीरियल या फिल्म से नहीं मिली है। ठाकुर सज्जन सिंह ने अपने लुक पर बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि उनकी दाढ़ी और आँखों ने और उनकी आवाज़ बोलने का अंदाज़ लोगों को बहुत पसंद आया था। इसलिए ठाकुर सज्जन सिंह को घर घर में नए किरदार के रूप में जाने जाने लगा। बता दें कि टीवी सीरियल कलाकार अनुपम श्याम ओझा, जैसे कि बता दें कि इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। इनकी बहुत प्रसिद्ध फिल्में रही हैं बैंडेड क्वीन, इस्लाम डॉग, द वॉरियर, थ्रेड, शक्ति, हल्ला बोल, रक्तचरित और जय गंगा आदि शामिल हैं। इसके अलावा धारावाहिक मन की आवाज़, प्रतिज्ञा, कृष्णा चली लंदन और डोली अरमानों की में भी नज़र आए थे। दोस्तों, ये जो सीरियल बताए हैं ये बहुत प्रसिद्ध सीरियल रहे हैं और आज भी इनकी छाप एक अलग तरीके से ही देखी जाती है। ठाकुर सज्जन सिंह ने महिलाओं के जीवन में एक नए किरदार को दिखाया और उन्हें बहुत पसंद आया। ऐसा ही नहीं है, ठाकुर सज्जन सिंह ने अपने आप को मुंबई में पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को फिल्मों में आजमा कर एक नई पहचान दे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसका मुख्य कारण था क्योंकि उन्हें टीवी सीरियल में इतनी अहम भूमिका के साथ में लिया गया था। वो
भूमिकाएं करने के बाद में लोगों के जहन में बैठ गई। ठाकुर सज्जन सिंह के द्वारा निभाए गए किरदार आज भी याद किए जाते हैं। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज ठाकुर सज्जन सिंह हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारी तरफ से, आपकी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि ऐसे महान एक्टर को सलाम। बॉलीवुड एनटीडी 24 प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।